पति फेल हो गया तो पत्नी की क्या रिएक्शन होती है, उसके बारे में मैं आज आपसे बात करूंगा। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 37 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। इरेक्टाइल डिसफंक्शन या नपुंसकत्व या लैंगिक कठोरता नहीं आना, या लैंगिक कमजोरी है, या लैंगिक दुर्बलता है, टाइटनेस नहीं होता है, सेक्स नहीं होता है, और ये यदि होता है तो फिर पत्नी की क्या रिएक्शन होती है, या आपकी गर्लफ्रेंड उसकी क्या रिएक्शन होती है, या आपके जो संबंध है जिसके साथ में उसकी क्या रिएक्शन होती है, वो हम देखने वाले। क्या है कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन मतलब नपुंसकत्व जो है वो 25% टाइम्स मतलब 100 में से 25 बार आदमी फेल हो सकता है। यदि 100 बार उसके संबंध कोई लड़की के साथ में आते हैं, पत्नी के साथ में आते हैं, तो उसमें से 25 बार से कम वो फेल हुआ तो चलता है। अच्छा, 25 बार से कम क्यों फेल होता है, मतलब 25 बार फेल क्यों हो सकता है 100 में से? थकान है, तबीयत ठीक नहीं है, अपचन हुआ है, शराब लेके आया है तो होश में नहीं है, या बहुत स्ट्रेस प्रेशर, काम का स्ट्रेस है, कहीं झगड़ा करके आया हुआ है, बहुत दिमाग के बल लोड है, कोई घर में बीमार है, ऐसा कुछ भी हो सकता है कि जिसके वजह से उसको जितना चाहिए उतना एक्साइटमेंट नहीं है और वो तभी भी सेक्स करने के लिए जाता है और वो फेल हो सकता है। हो सकता है कि उसको डायबिटीज़ है, या ब्लड प्रेशर है, या कोई मानसिक बीमारी है, उसकी गोलियां खा रहा है, फेल हो सकता है। 25 से 100 में से 25 से ज़्यादा बार मतलब 4 में से 1 बार फेल हो सकता है, 4 दिन में से 1 दिन। यदि वो 4 दिन रोज करता है तो 1 दिन फेल हो सकता है और वो नॉर्मल है। ज़्यादा यदि हो गया तो प्रॉब्लम है। तो भी ये ऐसा फेल होते गया तो पत्नी की क्या रिएक्शन होती है वो हमको देखना है। एक तो क्या है कि पत्नी की ऐसी रिएक्शन हो सकती है या पार्टनर की ऐसी रिएक्शन हो सकती है कि क्या मैं आकर्षक नहीं हूँ, क्या मैं दिखने में अच्छी नहीं हूँ, क्या इसने जो शादी मेरे से किया तो ज़बरदस्ती किया क्या, शादी मैं ज़बरदस्ती उसके ऊपर प्रेशर डाल रही क्या ज़्यादा, इसलिए ऐसा हो रहा है क्या, या क्या मैं मतलब ये मेरे से प्यार नहीं करता है, या क्या मैं उसको ज़्यादा उत्तेजित नहीं कर सकती हूँ, बहुत इसके पीछे लग रही हूँ ऐसा इसलिए हो रहा है, या क्या उसकी विवाह में संबंध नहीं है कि भाई बाहर कहीं तो भी है इसलिए वो घर में नहीं कर सक रहा है। हो सकता है कि कहीं बाहर जाता हूँ, हाँ कल भी लेट आया था घर में, परसों भी लेट आया था, आजकल ये लेट ही आ रहा है, कुछ तो भी बहाने बना रहा है, कुछ तो भी बाहर होगा इसलिए घर में नहीं कर पा रहा है, या फिर क्या ये होमोसेक्सुअल तो नहीं है, आजकल लड़कियां बहुत होशियार हो गई, बहुत पढ़ती रहती है, उसको लगता है कि होमोसेक्सुअल तो नहीं है। अभी मेरे पास में एक लेडी का फोन आया था, शादी होके 6 महीने हो गए, हार्डली 3-4 बार सेक्स किया होगा और घर में लेट आते रहते हैं, बिजनेसमैन है, घर में लेट आता है। उसका फोन मुझे इसलिए आया कि ये तो एक तो सेक्स में इंटरेस्ट लेते नहीं और मुझे स्ट्रांग डाउट है, बोले डाउट नहीं मेरे को पक्का विश्वास है कि इसका होमोसेक्सुअल है और ये बाहर लड़कों से ज्यादा ये करता है। क्या सबूत है, बोले सबूत नहीं है, मुझे लगता है कि वो मेरे से प्यार नहीं करता होगा या उसका बाहर होमोसेक्सुअल है क्योंकि वो दोस्तों में बहुत ज़्यादा रहता है, लेट लेट आता है घर में, मतलब ऐसा उसको लगता है कि होमोसेक्सुअल तो नहीं है, कि या मेरे से ये प्यार नहीं करता उसका, और कहीं तो लफड़ा नहीं चल रहा है, ऐसा उसको लगते रहता है। तो ये ऐसा कुछ चालू हो गया तो 1 दिन होगा, 2 दिन होगा, मगर समझो ऐसा ये बार बार होते रहा तो उसका दिमाग धीरे 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 खराब होने लगता है पत्नी का। फिर एक तो उसके उसके खुद के विवाह भय संबंध हो सकते क्योंकि घर में नहीं कर पा रहा, घर में ये खुद यदि पत्नी असमाधानी है, उसको प्यार नहीं मिल रहा है, उसको सेक्स नहीं मिल रहा है, तो वो भी बाहर ढूंढेंगे कि कुछ ना कुछ बाहर करना पड़ेगा, क्योंकि आदमी उसकी इज्जत का सवाल बोलता नहीं, नहीं मैं ठीक हूँ, मैं कुछ इलाज नहीं करूँगा डॉक्टर का, ऐसा वैसा, यदि वो इलाज करने को तैयार ही नहीं है समझो, तो फिर ये बाहर जा सकती है। बाहर जाने के पहले संघर्ष होता है, झगड़े होते हैं, झंझट होती है, वो उसको उल्टा पुल्टा बोलती है, ये उसको उल्टा पुल्टा बोलता है, ये बोलती है कि तू आदमी भी नहीं बोलता, तू मेरे को कोऑपरेट नहीं करते, ऐसा बहुत सारे झगड़े होते रहते हैं और फिर आखिरी ये सेपरेशन में मैटर चले जाता है या डिवोर्स में चले जाता है या फिर विवाह भय संबंध औरत के तरफ से हो सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस होती है, आदमी को अपराधीपन की भावना होती है कि मैं ठीक नहीं कर पा रहा हूँ, मगर वो कबूल नहीं करता। मेरा यहाँ यही बोलना है कि जैसा ही आपकी महिला पार्टनर यदि ऐसा बोल रही है कि वो खुश नहीं है या बोल रही है कि नहीं आप डॉक्टर के पास में चलो, तो उसमें अपराधीपन की भावना लेके या कोई अपना गिल्ट फीलिंग लेके या कुछ अपन कमजोर है डॉक्टर के पास में जाना है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है, सीधा डॉक्टर को कंसल्ट करना है, सेक्सोलॉजिस्ट को, और बोलना है कि नहीं वे नहीं हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है देखो, नहीं तो फिर क्या है उसके एक के ऊपर एक कॉम्प्लिकेशंस होते रहते हैं और फिर उसका नतीजा एक तो डिवोर्स में या एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में औरत के होता है और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होते रहते हैं। फिर औरत बोलती है कि नहीं मेरा आदमी आदमी में नहीं है, फिर वो बदनामी करती है, वो अपने मायके बोलती है, फिर वहाँ से लोग चिल्लाते हैं, सब गांव को बोल देते हैं कि ये आदमी में नहीं है, फिर बोलते तुमने तो गांव में कर दिया पूरा, मेरा नाम खराब कर दिया, अब ये बोलते हमको डिवोर्स होना, बोलते डिवोर्स देता ही नहीं, अभी तुमने हमारा नाम खराब कर दिया, वैसे भी
वैसे भी अभी मेरी शादी होंगी नहीं है, अब तो डिवोर्स देना ही नहीं है, कोर्ट में केस चलेगी, मतलब ऐसे इतने कॉम्प्लिकेशन होते हैं। सिर्फ बेस्ट ये है कि यदि आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है तो ये एक बीमारी है, उसमें इज्जत विज्जत कुछ निकालने का नहीं, किसकी भी, खुद को भी कोई कम समझने का नहीं है, सीधा डॉक्टर के पास में जाके इलाज करना जरूरी है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो सभी लोगों को ये शेयर करो, स्पेशली आपको जो मालूम है, जो आपको एक्सप्रेस करके मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है, उनको डेफिनेटली शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, घंटी दबाओ। थैंक यू वेरी मच।